दुनिया में कई जहरीले जीव होते हैं और इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक सांपों को माना जाता है। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर साल दुनिया में सांप 54 लाख लोगों को काटते हैं, जिनमें से 81,000 से लेकर 1.38 लाख लोग मारे जाते हैं, क्योंकि इनके पास इतना समय भी नहीं होता कि वो पानी तो क्या हवा भी मांग सके। दर्द, जलन, भ्रम और जहर के असर से तड़प तड़प कर मर जाते हैं। दोस्तों, दुनिया भर के जहरीले सांप ऐसे टॉक्सिक यानी विष का उपयोग करते हैं जो किसी भी जीव को कुछ सेकंड में मौत की नींद सुला देता है। दोस्तों, सांपों में यह जहर लाखों सालों में विकसित हुए हैं ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। तो आइए जानते हैं दुनिया के कुछ जहरीले सांपों के बारे में, जिसके काटने पर इंसान कुछ मिनटों में ही मर जाते हैं। ये है ब्लैक मांबा। अफ्रीका का सबसे जानलेवा सांप है ब्लैक मांबा। वैज्ञानिक भाषा में इसे डेंड्रोस्पिस पॉलीलिपिस कहते हैं। इसके दो बूंद जहर से इंसान की मौत तय है। अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो इसका जहर शरीर में जाते ही नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों के जोड़ को निष्क्रिय कर देता है, जिससे इंसान लकवा ग्रस्त हो जाता है। इसका जहर कार्डियोटॉक्सिक होता है, इससे दिल का दौरा पड़ता है। हालांकि 20 मिनट के अंदर अगर इलाज मिल जाए तो भी इसका जहर खत्म नहीं होता और इंसान कुछ दिनों में मर जाता है। यह सांप 8 फीट लंबा होता है और इसके मुंह के अंदर का रंग स्याही जैसा होता है। दोस्तों, यह 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी भाग सकता है। यह है फर डेल लॉन्ग स्नेक, वैज्ञानिक भाषा में ब्रोथॉर्प्स एस्पर कहते हैं। इसका जहर इंसान के शरीर में घुसते ही शरीर को काला करना शुरू कर देता है। ये आमतौर पर पीट वाइपर्स होते हैं। मध्य और दक्षिण अमेरिका में ये बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 3.9 से लेकर 8.2 फीट तक हो सकती है और इनका वजन अधिकतम 6 किलोग्राम तक होता है। मध्य अमेरिका में सांपों के काटने के आधे मामले इनके होते हैं। इनके जहर में एंटीकोलगेंट होता है, जिससे खून जमता नहीं। इसके काटने से हेमरेज होने की पूरी आशंका होती है। मादा फर डेल लॉन्ग सांप एक बार में 90 खतरनाक सांपों को पैदा करते हैं। ये है ब्लूम्सबर्ग। इस सांप को साउथ अफ्रीकन ग्रीन ट्री स्नेक भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम डिस्फोलिडस टाइपस है। इसका बच्चा भी अगर काट ले तो अगले 24 घंटे में एक वयस्क इंसान के आंख, फेफड़े, किडनी, दिल और ब्रेन से ब्लीडिंग होने लगती है। यह सांप अफ्रीका के स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, नामीबिया, मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे में मिलते हैं। इनके सर्पदंश यानी जहरीले दांत अन्य सांपों के बजाय पीछे की ओर होते हैं और इनका जहर हेमोटॉक्सिक होता है। जहर से शरीर के अंदर और बाहर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि शरीर के सभी छिद्रों से खून की धारा बहने लगती है। ये है ईस्टर्न टाइगर स्नेक। ईस्टर्न टाइगर स्नेक दक्षिणी पूर्व ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ों और घास के मैदानों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम नोटिजिस स्कैक्टस है। इन्हें टाइगर स्नेक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके शरीर पर पीले और काले रंग के बैंड्स होते हैं। इसके जहर से इंसान 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। इसके जहर के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल नहीं है। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में इसने एक इंसान को काटा था। हर साल इसी वजह से कम एक इंसान तो मारा ही जाता है। ये है रसल वाइपर। भारत में इस सांप की वजह से हर साल करीब 58,000 लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, रसल वाइपर का वैज्ञानिक नाम डाबोया रसल है। दोस्तों, यह टू वाइपर सांपों की सबसे खतरनाक प्रजाति है। श्रीलंका में यह चावल के खेतों में अक्सर किसानों को काट लेता है। इसके काटने से किडनी फेल हो जाती है, भयानक स्तर की ब्लीडिंग होती है, एक साथ कई अंग काम करना बंद कर देते हैं, यानी इसके काटने से बचने का चांस एकदम ही कम होता है। इसके काटने पर आमतौर पर इंसान रीनल फेलियर की वजह से मारा जाता है। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।